हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सीटेट की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और धीरे धीरे आपका जो एग्ज़ाम है वो पास आता जा रहा है। 7 जुलाई का एग्ज़ाम है, सिर्फ 2 महीने आपके पास हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। तो अब अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो साथ के साथ आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिस सेट जो होते हैं उनको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सुना ही होगा आपने। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, तो जितनी प्रैक्टिस आप करने वाले हैं उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और उनको एक टाइम जो आपको दिया होता है पेपर को सॉल्व करने का, उसमें उस टाइम पीरियड में सारे क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके आंसर सही ढूंढना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। और ये आपके लिए इजी तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जो टाइम दिया गया है आपको एग्ज़ाम का, उस टाइम पीरियड में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि टाइम बहुत कम बचता है और आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए एक बुक है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये है एग्ज़ाम कार्ड की सीटेट की प्रैक्टिस सेट्स। तो प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट से ही आप अपने सीटेट के पेपर को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है पेपर वन के लिए, अगर आपने पेपर वन में अप्लाई किया है तो ये एग्ज़ाम कार्ड का पेपर वन का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हैं, 10 प्रैक्टिस सेट बहुत होते हैं, ठीक है। और साथ ही 400 पेपर्स दिए हुए हैं जो कि 2015-2016 का जो सितंबर और फेब में एग्ज़ाम हुआ है और 2018 जो 9 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, इन चारों पेपर्स को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जिससे कि आप ये भी पता लगा सकें कि पहले कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। उसी बेस पर, इन एग्ज़ाम्स के बेस पर ही प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया गया है। साथ ही बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका व्याख्या दी गई है, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले नहीं पता थी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने पेपर टू में अप्लाई किया है तो ये है एग्ज़ाम कार्ड का ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने दोनों प्रैक्टिस सेट मंगाए हैं, अच्छे लगे हैं और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे दे रखे हैं और उसी तरह से दे रखे हैं जैसे कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन दोनों प्रैक्टिस सेट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। सीटेट पेपर टू वालों के लिए है ये, ठीक है, जिन्होंने सोशल साइंस से अप्लाई किया है, हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास और सोशल साइंस चारों पार्ट इसमें आपको मिलेंगे। 400 पेपर्स हैं, 10 प्रैक्टिस सेट है और सभी प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हैं वो व्याख्या सहित आपको उसका आंसर्स दे रखे हैं। तो अब बात करती हूँ कि थोड़ा सा आप इन्वायरमेंट पर ज़रूर ध्यान दें, इन्वायरमेंट और बाल विकास पर भी फोकस करें। तो इन्वायरमेंट के लिए आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो, सीटेट और टेट की अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है। मैटर बहुत सारा बहुत अच्छा दे रखा है, जो भी सीटेट में पूछा जाता है सभी चीज़ें अगर आपने पढ़ ही ली तो देखिए एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर शो किया गया है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो शो ना किया गया हो, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं बता देती हूँ, परिवार एवं मित्र है जिसमें, और उसके बाद स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए गए हैं, गैसेस हैं, ठीक है, वायुमंडलीय जल के बारे में है, जल वाष्प के बारे में है, फिर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में आप देखेंगे, सारे टॉपिक दिए हुए हैं, कोई भी पॉइंट आपका नहीं मिस होने वाला है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देखेंगे तो पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से आया होगा, तो वो टॉपिक भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। प्रदूषण, प्रदूषण के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता थी वो इस बुक को पढ़ने से आपको पता चलने वाली हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण कानून,
सारे जितने भी कानून हैं, जितने भी एक्स इन्वायरमेंटल के ऊपर बनाए गए हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सभी एक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो ये ईवीएस की बुक है और इसमें भी आपको 2018 का पेपर दिख जाएगा, तो अच्छी बुक है, इसको परचेज कर सकते हो। और एक और बुक है बाल विकास की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाल विकास का, और इसमें भी स्कोर करना बहुत आसान है अगर आपने ध्यान से CDP पढ़ लिया तो। तो इन चारों बुक्स को आप एग्ज़ाम कार्ड की साइट पर जाकर भी परचेज कर सकते हो, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये है एग्ज़ाम कार्ड की बुक जिनका रिव्यू मैं आज दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जाके ज़रूर परचेज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइव प्लस कोर्स चल रहा है अनअकैडमी का, जिसमें मैं हिंदी कोर्स पढ़ाने वाली हूँ, कंप्लीट कोर्स ऑन हिंदी का लेने वाली हूँ 7 मई से। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, लाइव प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी CTET के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं ऑन एन अकेडमी, तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हैं, एक बार ज़रूर चेक कीजिए। अभी के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।